अगर आपको अपने भीतर सचमुच बड़प्पन का सही समावेश चाहिए तो बापूजी का ये दुर्लभ सत्संग आप जरूर सुने, क्योंकि यहाँ बापूजी विनय के सारे आयाम बड़ी ही सहजता से समझा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु संत के प्रवचन में गए थे, उस संत ने दो बार चैतन्य महाप्रभु को संदेशा भेजा था कि आप पधारो और हमें शंका है उसका समाधान करो। गौरांग आए तो सही, लेकिन सत्संग चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु नुमाई पंडित थे, शास्त्रार्थ में काशी के तमाम विद्वानों को परास्त कर चुके थे, ऐसे तेजस्वी रूपवान थे, बुद्धिमान थे। वो सत्संग में आए और सभा में पीछे जुतियां जो पड़ी थी ना उसमें बैठ गए। कथा करने वाले संत की नजर पड़ी कि ओहो, ये तो नुमाई पंडित गौरांग चैतन्य महाप्रभु है। आदमी को भेजा कि वो स्वामी जी को ले आओ, आदर से यहां बिठाए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा कि जो आदमी बुलाने को गया ना उसका हाथ पकड़ के विनंती करके उसको बिठा दिया कि अभी सत्संग चल रहा है ना, अभी जो लिंक चल रही है ना उसमें डिस्टर्ब हो, बैठ जा, तू बैठ जा, अपन फिर चलते, तू बैठ जा। सत्संग जब पूरा हुआ वो गौरांग आए और संत मिलन हुआ। मैंने अर्ज किया था कि अभिमान ना समझी से आता है और विनय समझदारी से आता है। गौरांग समझदार थे। महाराज पहला प्रणाम कर, आप किसी को न में उससे वो बड़ा हुआ चाहे न हुआ वो ही जाने, लेकिन आप में विनय का गुण आ गया जयराम जी की। वो अगर बुद्धिमान है तो वो परमात्मा को, आपका प्रणाम परमात्मा को पहुंचा दे, और मूर्ख है तो अपने को अकड़ू खान बना ले, उसकी मर्जी। प्रणाम लेने वाले को तो खतरा हो सकता है, लेकिन प्रणाम करने वाले के बाप का जाता क्या है। श्री राम, प्रणाम लेने वाला अगर सावधान न रहे, और मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं उस फकीर की भी कहानी सुना देता हूं जो रथ यात्रा का मेला देख रहे थे। अहमदाबाद में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती, और रथ यात्रा निकल रही थी और भीड़ हो रही थी, तो रथ को हुआ कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, देखो मेरे को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। पथ को हुआ, चल रहे बेवकूफ कहीं का, तू मेरे आधार पर तो चल रहा है। पथ कहता है मैं बड़ा, रथ कहता है मैं बड़ा, मूर्ति मुस्कुरा रही कि दोनों बेवकूफ हो, न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है, न रथ को प्रणाम किए जा रहे हैं न पथ को किए जा रहे, बड़ी तो मैं हूं मूर्ति, मुझे प्रणाम किए जा रहे। तब फकीर के दिल में वो परमात्मा हंसा के तीनों बेवकूफ है, न रथ बड़ा न पथ बड़ा न बैठने वाली मूर्ति बड़ी, मूर्ति तुझे पता होगा कि अभी पुजारी ने उठाकर रथ में रख दिया है, फिर गोदाम में धरेगा, 12 महीने के बाद फिर तू मैदान में आएगा, शिल्पी ने तुझे घड़ा था, न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है न मूर्ति तू बड़ी है, बड़ा तो वो परमात्मा है जो हर पुतली नाच नचाता है और कभी अपना बड़ा होने का दावा तक नहीं करता है, वो परमात्मा बड़ा है। आपको पता होगा कि वसुदेव जी ने यज्ञ किया था और श्री कृष्ण ने जूठे पत्राले उठाने की सेवा उठाई थी। छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ी समझ से आदमी बड़ा होता और छोटी समझ से आदमी छोटा होता है। आगंतुक साधुओं के चरण धोने का काम श्री कृष्ण ने किया, तो इससे क्या श्री कृष्ण की कीर्ति डाउन हुई या बढ़ी? बढ़ी। विनय से आदमी की यश बढ़ती है। भाई अकड़ू साधु तो अपने को मानते हैं कि अपने कुछ हैं, लेकिन कोई ज्ञानी संत था, उन्होंने कहा कि कन्हैया बराबर, ये सब तुम कर रहे हो ना बराबर है, ये सब तुम ठीक ही कर रहे हो हा? लेकिन हम अभी तुम्हारा पोल खोल देंगे। तुमको कोई पुण्य कमाना है, तुमको कोई यश कमाना है, तुमको क्या लेना है कि हमारे पैर धो रहे हो? तुम कौन हो हम तुम्हें जानते हैं, ये धंधा छोड़ दो। फिर विनय मूर्ति श्री कृष्ण कहते हैं ऋषियों को कि हे भगवान, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय शुद्ध तो होता है, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। 50 वर्ष की सेवा पूजा और भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है, लेकिन तुम्हारे जैसे संत की एक मुहूर्त की सानिध्यता से हृदय में न जाने कितना कितना ज्ञान आ जाता है, कितना अज्ञान चला जाता है, इसलिए मुझे पैर धोने दो।
प्रात काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरनावई माथा। तो विनय से अहंकार विलय होता है, विनय से शत्रुता दूर होती है, विनय से अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके आगे विनय करने से उनकी दुआ मिलती है, विनय से आदमी की आंतरिक योग्यता बढ़ती है और शुद्धि बढ़ती है। तो विचार से विनय पैदा होता है और बेविचार से अहंकार पैदा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महाराज से सुन रहे थे, सत्संग में विघ्न न पड़े, पीछे बैठे हुए व्यक्तियों को आगे उनकी आंखों को विक्षेप करते करते आगे आए, ये उचित नहीं था महाराज, इसीलिए आपकी वाणी सुनने को वहीं चरणों में बैठे। तब उस पंडित संत को, जो पंडित थे, बुद्धिमान थे लेकिन अंदर की विश्रांति में जरा बालक थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये शंका होती है कि जो घास फूस खाते हैं उन ऋषियों को काम सताता है, और तुम ठाकुर जी के आगे बाल भोग लगाते हो, खीर लगाते हो और खाते हो, और फिर तुम निष्कामी कैसे होते। गौरांग कहते हैं कि देखो महाराज, बकरा जो है ना वो घास फूस खाता है और बड़ा सेक्सी होता है, कबूतर जो है सूखा सूखे मठ खाते हैं, मूंग खाते हैं, सूखा अन्न खाते हैं, सूखा कठोर खाते हैं, बड़े कामी होते हैं, और सिंह मांस खाता है, जीवन में एक बार ही संसार भोगता है, क्योंकि सिंह को पता है कि मैं सिंह हूं। ऐसे ही आपको पता चल जाए कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, तो आपके जीवन में से दोष कम होने लगेंगे और आपको लगेगा मैं ये नहीं खाता और मैं वो नहीं खाता और मैं वो नहीं खाता, तो महाराज दोष निकालने के बजाय और दोष आ जाएगा। एक सेठ से जूतियों में बैठते थे, पूछा क्यों जूतियों में बैठते थे? बोले महाराज अपने तो निराभिमानी होना है, जो अभिमानी अभिमानी है वो लोग सब मूर्ख आगे बैठते हैं, अपने तो निराभिमानी होके जूतों में बैठते। अरे इससे तो तू आगे बैठ जा। श्री राम, निराभिमानी का भी अभिमान न घुस जाए इसको भी सत्संग के द्वारा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ प्राण स्पंदन निरोध, प्राणों का निरोध करने से मनोजय होता है, चित्त के प्रसाद की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है, और जितना जिसका प्राण निरुद्ध है, जितना उसने प्राण को रोका है या प्राण की विधि को जानता है, उतना वो समय के अनुसार, वक्त के अनुसार बाजी मार लेगा।